श्री सोरसी महाविद्या इस सृष्टि के केंद्रीय सर्वोच्च नियामक एवं क्रियात्मक सत्ता मूल शक्ति की प्रकृति स्वरूपी प्रधान 16 कलाओं में से तृतीय कला, योगनियों में से तृतीय योगनी, अवस्थाओं में से तृतीय अवस्था एवं चतु आयाम से युक्त क्रिया रूपी 16 विद्याओं में से तृतीय विद्या के रूप में सृजित हुई है। यह महाविद्या इस लोक में सनातन धर्म व संस्कृति से प्रेरित संप्रदायों में 10 महाविद्याओं में से श्री सोरसी महाविद्या के नाम से जानी जाती है। आज बात करेंगे माहेश्वरी शक्ति स्वरूपिणी सोरसी महाविद्या की, जिन्हें ललिता त्रिपुरा, राजेश्वरी, महात्रिपुरा सुंदरी, कामाक्षी आदि नामों से जाना जाता है। और जानेंगे तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित कामाक्षी देवी को समर्पित मंदिर के इतिहास के बारे में भी। नमस्कार, मैं ब्रजेश और आप सभी का भारतवर्ष ज्ञान में स्वागत है। त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है। इन्हें महात्रिपुर सुंदरी, सोरसी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललिताम्बिका, लीलालेसी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी तथा राजेश्वरी भी कहते हैं। ये 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रमुख देवी हैं। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूर्ण मणि में शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है। साधारणतः 51 शक्ति पीठ माने जाते हैं। शक्ति पीठों की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए जानते हैं। जब महादेव की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने यज्ञ में कूदकर अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। शिव जी को जब यह पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ देने का आदेश दिया और राजा दक्ष का सिर काटने का भी आदेश दिया। बाद में शिवजी अपने पत्नी सती के जली हुई पार्थिव शरीर को लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। जहाँ जहाँ माता के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित होते गए। हालांकि पौराणिक असंख्यका के अनुसार देवी देह के अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई, जो भगवान विष्णु के चक्र से विक्षेपित होकर 108 स्थलों पर गिरे थे, जिनमें से 51 का खास महत्व है। ललिता माता देवी सती पार्वती का ही रूप है। ललिता माता को त्रिपुर सुंदरी सोरसी तथा ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है। ललिता माँ के 3 स्वरूप हैं। 8 वर्ष की बालिका के रूप में त्रिपुर सुंदरी, 16 वर्ष की अवस्था में सोरसी तथा माँ का युवा स्वरूप ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं में निपुण है, इसलिए भी इन्हें सोरसी कहा जाता है। प्रतिवर्ष माघ मास की पूर्णिमा तिथि को ललिता माता की अवतरण दिवस मनाया जाता है। नवरात्रि में 5वें दिन स्कंद माता के साथ ललिता पंचमी का व्रत किया जाता है। इसे उपांग ललिता व्रत भी कहा जाता है। लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मांड तीनों लोकों की संपत्ति एवं शोभा का ही नाम श्री है। त्रिपुरा शब्द का अर्थ बताते हुए शक्ति महिमन स्रोत में कहा गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश इन तीनों से पुरातन हो वही त्रिपुरा है। 16 अक्षरों के मंत्रावली ललिता देवी की अंग कांति उदयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। सोरसी माता की 4 भुजाएं 3 नेत्र हैं। ये कांति मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन है। भगवती सोरसी के चारों हाथों में क्रमशः पास, अड्डकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। भगवती सोरसी का सिरे विग्रह सौभाग्य और हृदय दया से आपूर्ति है। ललिता माता को आदि शक्ति माना जाता है। महात्रिपुर सुंदरी ललिता महाविद्या अपने उपासकों को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। दिए गए श्लोक का अर्थ है, कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख मंडल वाली, कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाली, स्वर्ण के समान आभा वाली, पीत वर्ण के वस्त्र धारण करने वाली, अपने कोमल हाथ में स्वर्णिम कमल धारण करने वाली, सुंदर शरीरावय से सुशोभित, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, निरंतर आभय प्रदान करने वाली, भक्तों के प्रति कोमल स्वभाव वाली शांति मूर्ति, सभी देवताओं से नमस्कृत तथा संपूर्ण संपदा प्रदान करने वाली भवानी श्री विद्या का ध्यान करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव की सर्वदा ध्यान मग्न रहने के कारण हुई। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था।
एक समय की बात है जब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा था। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति का निर्माण किया गया और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उस पुरुष का नाम भांड रखा। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण कर दिया था तथा उस पर राज करने लगा। एक समय की बात है जब भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया था, देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया था। भयभीत इंद्र ने ऋषि मुनि नारद की शरण ली और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवऋषि नारद ने आदिशक्ति की रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में प्रकट होकर भांडासुर का वध कर दिया और सभी देवताओं को भय से मुक्त किया। देवी भागवत में ये कहा गया है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ का श्री विग्रह सौभाग्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेता है उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान कर देती हैं। चारों दिशाओं में चार और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात पांच मुखों वाली कहा गया है। आप 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के अधि व्याधि शोक संताप दीनता हीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के असंख्य दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भैरवय माल और शक्ति लहरी में त्रिपुर सुंदरी उपासना का विस्तार वर्णन मिलता है। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरस स्तुति की है। कहा जाता है भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्त वर्णा रूप है। काली के दो रूप कृष्ण वर्णा और रक्त वर्णा है। त्रिपुर सुंदरी धन ऐश्वर्य भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी है। इससे पहले कि महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती है। भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम तीर्थ नगर में स्थित देवी त्रिपुर सुंदरी रूप में देवी कामाक्षी को समर्पित एक मंदिर है। इसके साथ आदि गुरु शंकराचार्य का भी नाम जुड़ा है। यह मदुरई के मीनाक्षी मंदिर, तिरुवनेकवल के अकलनेत्रेश्वरी मंदिर तथा वाराणसी के विलाक्षी मंदिर की तरह देवी पार्वती का मुख्य मंदिर है। यहाँ पद्म आसन में विराजमान देवी की भव्य मूर्ति है। कामाक्षी मंदिर को पल्लव राजाओं ने संभवतः 6वीं शताब्दी में बनाया था। मंदिर के कई हिस्सों को पुनः निर्मित कराया गया है, क्योंकि मूल संरचनाएं या तो प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गई या फिर इतने समय तक खड़ी न रह सकी। यह मंदिर कांचीपुरम शहर के मध्य में स्थित है। यह श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। 1.5 एकड़ में फैला यह मंदिर शक्ति के 3 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मदुर और वाराणसी अन्य 2 पवित्र स्थल है। यह मंदिर कांचीपुरम के शिवकाची में स्थित है। कामाक्षी देवी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में सम्मिलित है। मंदिर में कामाक्षी देवी के आकर्षक प्रतिमा है। यह भी कहा जाता है कि कांची में कामाक्षी
मथुरा में मीनाक्षी और काशी में विलाक्षी विराजमान है। मीनाक्षी और विलाक्षी विवाहिता है। इष्ट देवी कामाक्षी खड़ी मुद्रा में होने के बजाय बैठी हुई मुद्रा में है। देवी पद्म आसन में बैठी है और दक्षिण पूर्व की ओर देख रही हैं। कहा गया है कि काची तू कामाक्षी, मदुरे तू मीनाक्षी, दक्षिणे कन्याकुमारी ममह, शक्ति रूपणे भगवती नमो नमः नमो नमः। मंदिर परिसर में गायत्री मंडप भी है। कभी यहाँ चंपक का वृक्ष हुआ करता था। माँ कामाक्षी के भव्य मंदिर में भगवती पार्वती का शिर विग्रह है, जिसे कामाक्षी देवी या काम कोटी भी कहते हैं। भारत के द्वादश प्रधान देवी विग्रहों में से यह एक मंदिर है। इस मंदिर के परिसर में अंदर के चार दीवारी की चार कोनों पर निर्माण कार्य किया गया है। एक कोने पर कमरे बने हैं तो दूसरे पर भोजनशाला, तीसरे पर हाथी स्टैंड और चौथे पर शिक्षण संस्थान बना है। कहा जाता है कि कामाक्षी देवी मंदिर में आदि शंकराचार्य की काफी आस्था थी। उन्होंने ही सबसे पहले मंदिर के महत्व से लोगों को परिचित कराया था। परिसर में ही अन्नपूर्णा और शारदा देवी के मंदिर भी हैं। यह भी कहा जाता है कि देवी कामाक्षी के नेत्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें कामाक्षी संज्ञा दी गई। वास्तव में कामाक्षी में मात्र कमनीयता ही नहीं, अभी तो कुछ बीजाक्षरों का यांत्रिक महत्व भी है। यहाँ पर के का अर्थ ब्रह्मा का, आ का अर्थ विष्णु का और माँ का अर्थ माहेश्वर का प्रतीक है। इसलिए कामाक्षी के तीन नेत्र त्रिदेवों के प्रति रूप हैं। सूर्य चंद्र उनके प्रधान नेत्र हैं। अग्नि उनके भाल पर चिन्मय ज्योति से प्रज्वलित तृतीय नेत्र हैं। कामाक्षी में एक और सामंजस्य है, का सरस्वती का माँ महालक्ष्मी का प्रतीक है। इस प्रकार कामाक्षी के नाम में सरस्वती तथा लक्ष्मी का युगल भाव समाहित है। इस मंदिर में ब्रह्म उत्सव और नवरात्रि बहुत ही खास त्योहार है। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो हवाई मार्ग से चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास का हवाई अड्डा है और यह मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। और यदि आप ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन कांचीपुरम रेलवे स्टेशन है और मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। और सड़क मार्ग से भी आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। कांचीपुरम सड़कों के नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। आज के विषय में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए विषय के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।